नमस्कार, आप देख रहे हैं ENN भारत और मैं नंदिता आपके साथ। राजनेताओं का एक दूसरे पर तंज मारना, आरोप प्रत्यारोप लगाना और बयानबाजी करना आम बात है, लेकिन आजकल के नेता राजनीति से परे जाकर भी एक दूसरे की पर्सनल लाइफ पर भी बयानबाजी करने लग गए हैं, जिसका उनको भी सामने से मुंह तोड़ जवाब मिलता है। फिर वो अपना सा मुंह बनाकर कुछ दिन के लिए शांत बैठ जाते हैं और फिर पुरानी इंसल्ट को भूलकर नई बयानबाजी शुरू कर देते हैं। राजस्थान के बयान वीरों में पहला स्थान प्राप्त कर चुके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को आज उन्हीं के बयानों का उदाहरण देते हुए कहा, गोविंद सिंह डोटासरा के बयान गधे ने मारी लात जैसी है। उनकी दिनचर्या मुझसे शुरू होती है और मुझ पर ही खत्म हो जाती है। ध्यान रहे, गोविंद सिंह डोटासरा ने राजेंद्र राठौड़ को लेकर कहा था कि राजेंद्र राठौड़ रात 8 बजे के बाद मन से नहीं बोल सकते, क्योंकि 8 बजे के बाद उनकी महफिल सज जाती है। वही राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जिम्मेवार सत्ता में बैठे संगठन के अध्यक्ष हैं और वे अपनी भाषा पर खुद ही गौर करें कि उन्हें ये भी नहीं पता कि वे क्या बोल रहे हैं। उनकी भाषा गधे ने मारी लात की जैसी है। डोटासरा जी की बात और क्या कहूँ मैं, गधे ने मारी लात। उनके बयान में उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा, मुझे वो प्रसिद्धि दे रहे हैं। वो जहाँ उनका भाषण मेरे से शुरू होकर मेरे पर ही खत्म होता है। राजेंद्र राठौड़ ने एक तरह से खुशी जाहिर की है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा के बयान ने उनकी प्रसिद्धि बढ़ाई है, घटाई नहीं है। दोनों की तू तू मैं मैं के जवाब में राजेंद्र राठौड़ ने कहा, वे डरे हुए हैं और जब डरते हैं तो ऐसे ही बयानवीर बनने का प्रयास करते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब 4 से 5 महीने ही बचे हैं और डोटासरा को घेरने के लिए दो धुर विरोधी सुभाष सिंह महरिया और दिनेश जोशी एक हो गए हैं। अब देखना यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा अपने विरोधियों से अपना गढ़ बचा पाते हैं या नहीं। राजनीति से जुड़ी इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ENN भारत के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द लेकर आऊँगी आपके लिए राजनीति से जुड़ी ताज़ा और बड़ी खबर। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ ENN भारत। नमस्कार।